देखिए क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाई पी इन मैथमेटिक्स, पी कोई अब कोई होगा, पी उसका नाम है मैथमेटिक्स एंड साइंस 28, हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन 180, फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। हमारे पास देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में पी को मैथ्स और साइंस में टोटल सम ऑफ मार्क्स 28 मिले। अगर उसे मैथ्स में 3 मार्क्स और मिले होते और 4 मार्क्स लेस मिला होता साइंस में, तो इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट जो होता है 180 हो जाता। ठीक है, तो हमें इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग सेपरेटली बताने हैं कितने हुए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x, एंड द नंबर ऑफ मार्क्स इन साइंस में हम लोग कितना ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का मिलाकर सम जो है 28 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 3 मार्क्स मोर हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक्स प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है, और 4 मार्क्स लेस हो जाते हैं साइंस में, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 180 हो जाएगा। चलिए एक्स प्लस 3 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस एक्स इक्वल टू में 180। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 72 माइनस का 3x माइनस 180 इक्वल टू में 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 21x हो जाएगा, प्लस का 21x हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस का 108 इक्वल टू में 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 21x और प्लस का 108 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 9x कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो 21 माइनस का और इंटू होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा। चलिए यहाँ पे दोनों को मैं कॉमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 12 और यहाँ माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 12 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 12 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x माइनस 9 बचेगा इक्वल टू, अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू में 0 और यहाँ x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से 12 हो जाएगा और यहाँ x का वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग अलग केस लेंगे क्योंकि x के दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, x का वैल्यू 1 तो यहाँ लिखते हैं x का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू 12 जब हम लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं मार्क्स इन मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स का मार्क्स कितना हो जाएगा x यानी कि 12। अच्छा, मार्क्स इन साइंस तो साइंस में मार्क्स कितना हो जाएगा, तो क्या था जी 28 माइनस एक्स ना, यानी कि 28 और माइनस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 16 आ जाएगा, है ना जी। चलिए फिर दूसरा केस लेते हैं, x का वैल्यू 9 वाला केस सेकंड व्हेन x इक्वल टू 9, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा आपका 9 एंड मार्क्स इन साइंस में मार्क्स क्या हो जाएगा, तो 28 माइनस एक्स था ना जी, यानी कि 28 माइनस का 9 यानी कि 19 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो